हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 यानी विलयन का आगे का पार्ट। विलयन में अभी तक हमने जो चीज़ें देखी थी उसमें हमने अणुसंख्य गुणधर्मों के बारे में पढ़ लिया था। अणुसंख्य गुणधर्मों का मतलब विलयन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। और हमने चार अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े थे। चार कौन कौन से थे? पहला था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के समान बराबर होता है। विलेय की मोल भिन्न का मतलब विलेय का मोल बटे विलायक का मोल या कुल मोल कह देते हैं हम। यानी कि इसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी का मतलब क्या हुआ? डब्ल्यू बी का मतलब विलेय का दिया गया भार, एम ए विलायक का मोलर द्रव्यमान, एम बी विलेय का मोलर द्रव्यमान और डब्ल्यू ए विलायक का भार दिया गया ग्राम में भार, ठीक है ना। यानी और फिर दूसरा हमने पढ़ा था डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी का मतलब था क्वथनांक उन्नयन और ये बराबर था के बी इंटू एम के। यहाँ के बी का मतलब क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक इंटू मोललता। तीसरा हमने पढ़ा था हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन मतलब डेल्टा टी एफ, ये बराबर होता है के एफ इंटू एम के। यहाँ के एफ का मतलब हिमांक अवनमन स्थिरांक इंटू मोललता। और लास्ट हमने पढ़ा था परासरण दाब, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। ये हमने पढ़ा था एन बी अपॉन वी इंटू आर टी। एन की वैल्यू को पुट करते हैं तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर टी अपॉन वी, ठीक है। यानी कि हमने ये सारी चीज़ें चारों अणुसंख्य गुणधर्म एक्चुअली कैलकुलेट क्यों किए थे या क्यों ज्ञात की थी? केवल इसलिए कि जो हमारा अज्ञात विलय है उसका अणुभार ज्ञात किया जा सके, ठीक है ना। तो अणुभार ज्ञात करने के लिए हमने सभी अणुसंख्य गुणधर्मों को यानी चार अणुसंख्य गुणधर्मों को देखा था। अब हम बात करेंगे कुछ असामान्य अणुसंख्य गुणधर्मों की, ठीक है ना। असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब जो सामान्य नहीं होते। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, हम बात करते हैं किसी भी विलेय की, ठीक है। मान लीजिए कोई विलेय है ए बी, वो विलयन में घुल रहा है, ठीक है ना। विलयन में या विलायक में घुल रहा है तो एक तो बात है कि वो अपनी उसी फॉर्म में रहे जिस फॉर्म में था। जैसे मैंने ग्लूकोज को घोला C6H12O6 को जल में घोला तो जल में ये इसी रूप में रहता है, इसका कोई इसमें इसकी संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना। ये इसी तरह से मान लीजिए हमने यूरिया को घोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यूरिया को घोला, यूरिया को हम जिस रूप में घोलेंगे वो उसी रूप में विलयन में रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। वहीं अब मैं सॉल्ट की बात करूँ यानी नमक की बात करूँ, नमक को जब पानी में घोलते हैं तो ये नमक NaCl के रूप में नहीं रहता बल्कि Na+ और Cl- में टूट जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम एसिटिक अम्ल को यानी सिरके को पानी में घोलें तो सिरका क्या होगा, सिरका बदल जाएगा CH3COO- और H+ में, ठीक है ना। तो इस तरीके से परिवर्तन हो जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो विलेय होता है हमारा वो विलयन में या तो उसी रूप में रहता है या उसकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है, कैसे, कि या तो वो जल में जाकर या विलायक में जाकर वियोजित हो गया यानी कि अपने आयनों में टूट गया। ऐसे ही अगर मैं KOH को लूँ तो ये टूट जाता है K+ में और OH- में, या मैं AlCl3 को लूँ तो ये टूट जाता है Al+3 में और Cl- के तीन आयन निकल जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो विलेय हम घोल रहे हैं वो या तो अपनी अपनी पूर्व अवस्था में ही रहेगा या फिर वो अपने आयनों में टूट जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एसिटिक अम्ल को हमने जल में घोला तो ये आयनित तो हो जाता है लेकिन किसी ऑर्गेनिक विलायक में यानी कि जैसे बेंजीन में या बेंजोइक अम्ल में घोल दिया तो ये संगुणित हो जाता है। यानी कि संगुणित होने का मतलब होता है कि इसके दो अणु इस तरीके से हाइड्रोजन बंधन के द्वारा ऐसे संयोजित हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि दो अणु एक साथ पाए जाएंगे, ठीक है। यानी कि देखिए कंडीशन क्या हुई कि अगर विलेय अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है यानी जिस फॉर्म में वो ठोस रूप में था या द्रव रूप में था वैसा ही वो विलयन रूप में है, तब तो विलयन के अणुसंख्य गुणधर्मों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जो चार अणुसंख्य गुणधर्म है इनकी कैलकुलेशन हम इन्हीं फॉर्मूला से कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वो विलेय जो है विलयन में जाकर या तो वियोजित हो गया यानी उसका आयनन हो गया या संयोजित हो गया या संगुणन हो गया तो विलयन में कणों की संख्या बदल जाती है,
ठीक है ना। कणों की संख्या का मतलब क्या हो, जैसे हमने एक मोल NaCl घोला तो विलयन में NaCl कण होने चाहिए, लेकिन जब उसका वियोजन हो गया Na प्लस में और Cl माइनस में तो विलयन में कणों की संख्या हो गई दो मोल, एक मोल तो Na प्लस के और दूसरा मोल Cl माइनस का। इसी तरह से एसिटिक अम्ल का मान लीजिए मैंने एक मोल घोला तो विलयन में दो मोल आयन हो गए, कौन कौन से, एक मोल तो एसिटेट आयन और एक मोल H प्लस आयन, ठीक है। अगर मैं AlCl3 की बात करूँ तो मैंने एक मोल AlCl3 घोला लेकिन विलयन में चार मोल हो गए, कौन कौन से, एक मोल तो Al प्लस 3 का और तीन मोल Cl माइनस के, ठीक है। यानी कि जब वियोजन हो गया तो विलयन में अणुओं की या कणों की संख्या बढ़ गई, जबकि अगर संगुणन हो जाता है तो अणुओं की संख्या घट जाती है। घट जाती है का मतलब मान लीजिए मैंने तो एक मोल घोला था तो एक मोल कण होने चाहिए थे, लेकिन वो कण आपस में दो दो अणु आपस में जुड़ गए हैं, तो मान लीजिए मैंने 10 कण घोले थे तो विलयन में वो 5 के रूप में ही व्यवहार करेंगे, यानी कणों की संख्या रह गई आधी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब संगुणन होता है विलेय का तब तो कणों की संख्या घट जाती है, जबकि वियोजन होता है तो कणों की संख्या बढ़ जाती है। तो जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो जो अणु संख्या गुणधर्म होते हैं, अणु संख्या गुणधर्मों का मतलब क्या है, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करें, तो जब अणुओं की संख्या बदल गई तो वो उनके गुणधर्मों के मान भी बदल जाएंगे, और जब गुणधर्मों के मान बदलेंगे तो वो सामान्य नहीं रहकर असामान्य हो जाते हैं। तो अपसामान्य अणु संख्या गुणधर्म कब उत्पन्न होती हैं, जब विलेय विलयन में जाकर या तो वियोजित हो जाता है जैसे NaCl KOH हो गए, ठीक है, या संगुणित हो जाता है, ठीक है ना। और हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणुसंख्या गुणधर्मों को कैलकुलेट क्यों किया था, केवल WB यानी कि अणुभार ज्ञात करने के लिए। तो जब अणुसंख्या गुणधर्म असामान्य हो गया तो अणुभार या मोलर द्रव्यमान भी कैसा हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम अणु वास्तव में असामान्य अणुभार या मोलर द्रव्यमान की यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, यदि विलेय को विलायक में घुलने पर उसका आयनन या संगुणन यानी कि संयोजन होता है तो विलयन में कणों की संख्या मोलों की संख्या में क्रमशः वृद्धि और कमी कर देती है। आयनन होगा तो मोलों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, संगुणन होगा तो मोलों की संख्या में कमी हो जाएगी। इसके परिणामस्वरूप अणु संख्या गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे NaCl का एक मोल यानी कि 58.5 ग्राम को जब जल में घोला जाता है तो हम विलयन में एक मोल अणु मिलने की अपेक्षा करते हैं, यानी एक मोल होना चाहिए, लेकिन NaCl विद्युत अपघट्य होने के कारण Na प्लस और Cl माइनस में विभक्त हो जाता है, अतः NaCl का पूर्ण आयनन माने तो विलयन में दो मोल कण हो जाएंगे, एक मोल Na प्लस और एक मोल Cl माइनस। तो परिणाम स्वरूप अणु संख्या गुणधर्म दो मोल कणों के अनुरूप प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि वियोजन हो गया तो वो जो विलेय है वो कितने मोलों में वियोजित हो रहा है, कुल मिलाकर उतने मोलों के अनुरूप ही हमें अणुसंख्या गुणधर्म प्राप्त होगा। चूंकि अणुसंख्या गुणधर्म मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते, उल्टा चलता है हमेशा, आते NaCl का मोलर द्रव्यमान भी 1/2 यानी कि आधा प्राप्त होगा, तो गलत हो गया, असामान्य हो गया। इसी प्रकार यदि विलेय का विलयन में संगुणन यानी कि एसोसिएशन हो जाए, संयोजन हो जाए, तो विलयन में कणों की संख्या में कमी हो जाती है और विलेय का अणुभार सामान्य अणुभार से अधिक प्राप्त होता है। जैसे अगर एसिटिक अम्ल को C6H6 विलयन में घोला जाए तो यह द्विलक बना लेता है, द्वि का मतलब दो, लक मतलब कड़ियाँ, यानी कि दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं जो कि CH3COH अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनने के कारण संभव है। तो देखिए, ये एक अणु CH3C OOH, ये दूसरा अणु CH3C OOH, तो ये वाला H तो इस अणु का है और ये वाला H इस अणु का है, इस H ने इसके साथ हाइड्रोजन बंधन बना लिया और इस H ने इसके साथ हाइड्रोजन बंधन बना लिया, इसकी वजह से ये दो अणु आपस में जुड़े हुए रहते हैं, यानी इनका संगुणन हो गया। और यदि अम्ल का पूर्ण संगुणन हो जाए तो मोलर द्रव्यमान सामान्य से दो गुना प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऐसे मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में कम या ज़्यादा यानी अधिक प्राप्त होते हैं, विलेय का असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि असामान्य मोलर द्रव्यमान का मुख्य कारण है क्या, विलेय का संगुणन हो जाना या विलेय का वियोजन हो जाना, ठीक है ना। अब इस संयोजन या वियोजन की मात्रा को, या कहें कि असामान्य मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक गुणांक की आवश्यकता पड़ती है, जिसे कहते हैं वांटाफ गुणांक।
ठीक है। तो वांट ऑफ गुणांक क्या है कि असामान्य मोलर द्रव्यमान को स्पष्ट करने के लिए 1880 में वांट ऑफ ने एक वांट ऑफ गुणांक, इसको कहते हैं आयोटा, स्मॉल आई के रूप में लिखा जाता है और इसको प्रोनंसिएट करते हैं आयोटा, आयोटा प्रतिपादित किया, जिसके द्वारा विलेय के आयनन की मात्रा या संगुणन की मात्रा भी ज्ञात की जा सकती है। तो वांट ऑफ गुणांक को परिभाषित कैसे किया गया था, क्या था वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ गुणांक था प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे सैद्धांतिक या परिकलित अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। प्रैक्टिकल करके क्या प्राप्त किया गया, और जो हमने चार फॉर्मूलेस पढ़ रखे, चार सूत्र पढ़े थे हमने, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब और पार्श्व दाब का आपेक्षिक अवनमन, उन सबके सैद्धांतिक मानों के आधार पर उसका क्या सूत्र प्राप्त होता है, ठीक है ना। और ये किसके बराबर होगा, आयोटा बराबर होगा संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे संगुणन या वियोजन से पूर्व लिए गए कणों की संख्या, यानी हमने यहाँ तो वो संख्या आएगी जो हमने लिए थे, ठीक है ना, एक मोल घोला, दो मोल घोले तो उसमें कितने कण थे, और उसके बाद कुल कणों की संख्या कितनी हो गई, आधी हो गई, डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, कितने अणों में संयोजन हुआ, उसके आधार पर यहाँ पर कणों की संख्या ज्ञात की जाती है, ठीक है। और भी इसको आसान बनाने के लिए हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं आयोटा बराबर होता है पाई प्रेक्षित बटे पाई परिकलित। पाई प्रेक्षित का मतलब पाई तो है परासरण दाब, प्रेक्षित का मतलब प्रैक्टिकल से चेक किया गया, और पाई परिकलित मतलब सूत्र से निकाला, इज इक्वल टू डेल्टा टी बी प्रेक्षित बटे डेल्टा टी बी परिकलित। ये भी क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म में क्वथनांक उन्नयन का, क्वथनांक उन्नयन का प्रेक्षित मान प्रैक्टिकल से जो चेक किया गया, और परिकलित का मतलब कैलकुलेशन करके जो किया गया, यही बराबर होगा डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी एफ। ये डेल्टा टी एफ यानी कि हिमांक अवनमन प्रेक्षित बटे हिमांक अवनमन परिकलित, प्रैक्टिकल से जो चेक किया गया। बिल्कुल उसी तरीके से आयोटा बराबर डेल्टा पी अपन पी नॉट प्रेक्षित, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, ये वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का प्रेक्षित मान बटे वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का परिकलित मान। और ये जो वाष्प, ये जो अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं ये हमेशा अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो ये मोलर द्रव्यमान है विलेय का, मोलर द्रव्यमान का परिकलित मान बटे प्रेक्षित मान, यहाँ इन अणुसंख्या गुणधर्मों में देखें प्रेक्षित मान बटे परिकलित मान है, जबकि मोलर द्रव्यमान में परिकलित मान बटे प्रेक्षित मान होता है, ठीक है ना। अब यहाँ इन सूत्रों से जब हमें आयोटा का मान मिलेगा तो हम ये बता सकते हैं कि विलेयक संगुणित हुआ है या वियोजित हुआ है। कैसे बता सकते हैं, तो देखिए यदि आयोटा का मान एक आता है, एक आएगा का मतलब क्या हुआ, प्रेक्षित मान और परिकलित मान बराबर हैं, कोई अंतर नहीं है, तो इसका मतलब विलेय का विलयन में ना तो संगुणन हुआ है और ना ही वियोजन हुआ है। जब आयोटा का मान एक है तो वो प्रदर्शित करता है कि विलयन में विलेय उसी रूप में है जिस रूप में वो पाया जाता है, ना संगुणन हुआ ना वियोजन हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था यूरिया का और ग्लूकोज का। यदि आयोटा का मान ज़्यादा है एक से, ठीक है ना, ज़्यादा है एक से, इसका मतलब ऊपर वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है का मतलब ये वाला मान बड़ा है, यानी वियोजन के पश्चात कणों की संख्या ज़्यादा हो गई, और वियोजन के पास संख्या कणों की संख्या ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि विलेय का वियोजन हो गया। जैसे NaCl का एक मोल लिया था लेकिन प्राप्त दो मोल होते हैं तो संख्या बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि आयनन हुआ है। जब आयोटा का मान एक से ज़्यादा होता है तो विलेय का आयनन होता है, और यदि आयोटा का मान एक से कम हो जाता है तो विलेय का संगुणन हो जाता है, ठीक है ना। तो हम आयोटा का मान ज्ञात कर लें और आयोटा की वैल्यू को पुट कर दें जो अपने सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं उनके साथ, मल्टीप्लाई कर दें तो हमें असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। कैसे प्राप्त होते हैं देखते हैं। तो देखिए वांट ऑफ गुणांक को सम्मिलित करने पर अणुसंख्य गुणधर्म के सामान्य समीकरण निम्नानुसार परिवर्तित हो जाते हैं। सबसे पहला होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, यानी कि पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, हमने सामान्य में पढ़ा था डब्ल्यू बी एम ए अपॉन एम बी डब्ल्यू ए, देखिए ये बताया था मैंने, ये रहा, ठीक है ना। और अब जब इसको असामान्य करना होता है तो इसमें यहाँ पर कर देंगे हम आयोटा से गुणा, ठीक है ना। तो देखिए आयोटा से गुणा कर दिया, ये हो गया आयोटा इंटू डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए, ठीक है ना। दूसरा अणुसंख्या हमने पढ़ा था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, यहाँ भी हम के बी में आयोटा का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ये हो रहा है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आयोटा के बी इंटू एम, ठीक है ना। पूरा लिखते हैं तो के बी इंटू एम में एम की वैल्यू पुट कर दी, मोललता है, ठीक है ना। डेल्टा टी एफ तीसरा हमने पढ़ाया था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम,
ठीक है ना। तो अब यहाँ भी हमने देखो ये आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आयोटा इन टू के एफ एम, ठीक है। यहाँ भी मोलैलिटी से का वैल्यू पुट कर दी तो पूरा फॉर्मूला आ गया। लास्ट हमने पढ़ा था पाई इज इक्वल टू एन आर एन बी अपॉन वी आर टी या डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आर टी अपॉन वी, तो यहाँ भी हमने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सामान्य जो अनुसंख्या गुणधर्म है वो असामान्य अनुसंख्या में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। और इस अनुसंख्या गुणधर्म की सहायता से ही हम वान ठाफ गुणांक और आयन की मात्रा में संबंध भी ज्ञात कर सकते हैं। और ये संबंध क्या है, ये संबंध है ये आयनन की मात्रा में और आयोटा में संबंध होता है एल्फा इज इक्वल टू आई आयोटा माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। यहाँ एल्फा का मतलब है आयनन की मात्रा, आयोटा वानटाफ गुणांक है, माइनस वन अपॉन एन, एन यह है आयनन आयनन के पश्चात प्राप्त कणों की संख्या। जैसे यहाँ देखिए अपन देखते हैं NaCl में ये दो मोल प्राप्त होते हैं Na प्लस और Cl माइनस, तो इसके लिए N की वैल्यू होगी दो, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल भी दो आयनों में टूटता है तो इसके लिए भी N का मान होगा दो, वियोजित आयनों की संख्या दो ही है। KOH के लिए हमने देखा था यहाँ भी दो आयन प्राप्त हो रहे हैं तो यहाँ भी N का मान दो होगा। AlCl3 के लिए हमने देखा था एक तो Al प्लस थ्री बनता है और तीन Cl माइनस बनते हैं तो इसके लिए N का मान हो जाएगा चार, तीन तो ये वाले आयन और एक ये चार, ठीक है ना। तो यहाँ एन का मान होता है वियोजित कणों की संख्या, आयोटा माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। जबकि अगर हम संगुणन की मात्रा निकालना चाहें, संगुणन की मात्रा होती है ये कि कितनी मात्रा में विलेय के अणु संगुणित हो गए, तो यहाँ भी फॉर्मूला तो कुछ कुछ ऐसा ही है। अल्फा संगुणन की मात्रा है, आयोटा वही वानटाफ गुणांक है, माइनस वन अपॉन एन माइनस वन की जगह पर आ गया वन अपॉन एन माइनस वन। यहाँ तो एन था वियोजित अणुओं की संख्या और यहाँ पर एन है संगुणित अणुओं की संख्या। जैसे एसिटिक अम्ल में दो अणु आपस में संगुणित होते हैं तो यहाँ पर n का मान होगा दो, ठीक है। यानी एसिटिक अम्ल के लिए अगर हमको आयनन की संगुणन की मात्रा निकालनी है तो इसके आयोटा का मान माइनस वन अपॉन एक बटे दो माइनस वन, क्योंकि दो क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर दो अणु आपस में संगुणित होते हैं। और इन फॉर्मूलाज की सहायता से ही हम इनके संगुणन की मात्रा या वियोजन की मात्रा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। देखिए अल्फा का मान है आयोटा माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। उदाहरण देखते हैं, LiCl का 0.413% विलयन है। 0.413% विलयन का मतलब अगर 100 ग्राम विलयन है तो उसमें 0.413 ग्राम LiCl घोल रखा है, ठीक है। ये जलीय विलयन माइनस 0.343 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, यानी कि इसमें के क्वथना हिमांक में अवनमन हो चुका है। हिमांक होता है 0 डिग्री और ये 0 से माइनस चला गया तो ये क्या मिल गया अपन को, डेल्टा टी बी का मान मिल गया, ठीक है ना। डेल्टा टी एफ का मान, लवण के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए, यानी अल्फा का मान ज्ञात करना है हमको। जल के लिए के एफ का मान दे रखा है 1.86 के किलोग्राम मोल इनवर्स और इसका मोलर द्रव्यमान जो सैद्धांतिक होता है वो दे रखा है 42.5, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको, फॉर्मूला ये लगाना है लेकिन इसके लिए पहले हमें आयोटा का मान निकालना पड़ेगा। एन का मान तो हमें मिल जाएगा, एल आई प्लस और सी एल माइनस में टूटेगा तो एन का मान दो हो गया। अल्फा में ज्ञात करना है तो उससे पहले आयोटा का मान चाहिए। आयोटा का मान निकालने के लिए अभी हमें पहले इनका प्रेक्षित या कलित मान निकालना पड़ेगा, सैद्धांतिक तो हमको दे रखा है। तो LiCl का सैद्धांतिक मान तो हो गया 42.5 ग्राम। अब प्रेक्षित निकालना है तो हमें हिमांक अवनमन दे रखा है तो हिमांक अवनमन का फॉर्मूला ले लिया, 1000 इंटू के एफ डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। तो 1000 तो हो गया, के एफ का मान दे रखा है 1.86 रख दिया, डब्ल्यू बी का मान 0.413 ग्राम, 100 ग्राम माना है हमने विलायक को, ठीक है ना। डेल्टा टी एफ ये वाली वैल्यू रही 0.343 गुणा विलायक का भार हमने 100 ग्राम माना था तो 100 कर दिया। इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 22.4, ठीक है ना, ग्राम में। अब हमें निकालना है आयोटा। आयोटा निकालने का क्या तरीका था अपने पास, आयोटा का मान का तरीका था अपने पास एम बी कैलकुलेटेड अपॉन एम बी सैद्धांतिक, ठीक है ना। तो एम बी कैलकुलेटेड अपॉन सैद्धांतिक अपॉन कैलकुलेटेड क्या होगा, सैद्धांतिक मान तो था अपना 42.5 और कैलकुलेटेड मान आ रहा है अपना 22.4, रखती वैल्यू, वैल्यू रखी तो इसकी वैल्यू आ जाती है आयोटा के लिए 1.89, ये आयोटा की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हमें एन की मान पता ही है, मैंने भी आपको बताया था LiCl Li प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा तो एन इज इक्वल टू आ गया 2। अब फॉर्मूला अपना है एल्फा इज इक्वल टू आयोटा माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। आयोटा की वैल्यू अपन ने 1.89 निकाल ली तो इसकी वैल्यू पुट की 1.89 माइनस वन अपॉन एन की वैल्यू 2 है इसके लिए तो 2 माइनस वन, 1.89 में से 1 माइनस होगा तो 0.89 बचेगा।
टू में से वन माइनस होगा तो वन बचेगा, तो 0.89 में वन का से डिवाइड करेंगे तो 0.89 ही आ गया। ठीक है, ये तो आ गई वियोजन की मात्रा, और परसेंटेज में निकालनी है तो 100 से गुणा कर देंगे तो 89% वियोजन की मात्रा आ गई। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखनी है हमें हमेशा कि यदि किसी विद्युत अपघट्य का आयनन पूर्ण हो जाता है, अर्थात एल्फा का मान एक है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, तो उसके वांट ऑफ गुणांक का मान हमेशा उसके एक अणु द्वारा दिए गए आयनों की संख्या के समान ही होता है। यानी कि जैसे NaCl है, एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, ये 100% आयनित हो जाता है, तो इसके लिए आयोटा का मान 2 होगा। Na2SO4 में 2 Na+ आयन बनेंगे, एक SO4 आयन बचेगा, तो इसके लिए आयोटा का मान 3 हो जाएगा। इसी तरह से BaCl2, ये इसमें भी एक तो Ba+ आयन बनेगा, Ba+2, और 2 Cl- आयन बनेंगे, तो कुल मिला के 3 आयन बनेंगे, तो आयोटा का मान हो गया 3। ठीक है ना, तो आयोटा का मान हमेशा वही रहता है जो उसके आयनों की संख्या होती है, अगर वह अपघट्य प्रबल प्रकार का है, यानी कि उसका 100% आयनन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू यानी संगुणन की मात्रा और वियोजन की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।